तो देखिए अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर चिकन पटेटो ब्रेड पेटिस टिक्की जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ब्रेड क्रम है मेरे पास में, ये मेरे पास इसकी फीलिंग है। इसमें चिकन है बॉयल हुआ हुआ और श्रेडेड चिकन है और आलू है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है और सोया सॉस, चिली सॉस, ग्रीन सॉस और भुना हुआ जीरा है और नमक है। और ये मेरे पास ब्रेड्स हैं, तो इनको हम कुछ शेप दे देंगे आप अपने हिसाब से, चाहे आप स्क्वायर भी रख सकते हैं या जो भी आपको शेप देना हो, जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से शेप दे सकते हैं। और आपने इस तरह से घोल बना के रख लेना। इसमें 1 चम्मच मैदा है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और इसमें थोड़ा सा सी हुई मिर्ची की बुक्की है, थोड़ी सी चुटकी भर नमक है और चुटकी भर जीरे का पाउडर है। तो इसमें हमें कोटिंग करना होगा, पहले इसमें डिप करना होगा, फिलिंग भरने के बाद फिर इसमें डिप करना होगा, फिर हम ट्राई करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखो इस तरह से मैंने इसमें फिलिंग भर के रख ली है। अब मैं इसमें डिप करूंगी और फिर मैं इसमें कोटिंग करके मैं फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मैंने ये किया है। अच्छा आपने ना इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी वरना ये ऊपर से सिक जाएगा और अंदर से रह जाएगा। तो आपने थोड़ा इसको मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है। बनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए खाते पीते रोजे वाले जो है वो थककर बैठे हुए, जो रोजदार है वो पकाने में बिजी है ना। एक खाने पीने वाले जो है रोजदार, जिनका मुंह चलता रहता है, वो थके हुए लेटे हैं। आज का खाता पीता रोजा अच्छे बड़े अच्छे है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब मीठे में मैं बना रही हूँ फालूदा मैंगो फ्लेवर में। ये है ईट मी का पैकेट पूरा जो 200 ग्राम में था मैंगो फ्लेवर में। मैंने इसको 1 लीटर दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया था, आधा कप पानी डाल के। पानी ज़रूर डालिएगा वरना ये जो है आपके दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो दूध क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी दूध की। तो 1 लीटर दूध को बॉईल कर लेना है अच्छे से, उसके बाद में पूरा एक पैकेट उसके अंदर ऐड कर देना है। फिर उसको 10 से 15 मिनट स्लो आँच पे छोड़ देना है। जितनी भी कंटेंसिटी आपको चाहिए गाढ़ी पतली आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और फिर इसके बाद में आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिए, फिर फ्रिज में रख दीजिए आप इसको। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए पीने लायक, तो फिर इसके अंदर ड्राई फ्रूट फ्रूट्स या फिर आइसक्रीम वगैरह डालकर इसको आप सर्व कीजिए ग्लास में। बहुत ही टेस्टी लगता है और मैं ज़्यादातर इसी का फ्लेवर लेती हूँ, ईटमी का। तो इस रमज़ान आप भी पीजिए फालूदा, अच्छे से ठंडा ठंडा कीजिए खुद को। रोज़े के बाद तो पानी लिक्विड ऐसा कुछ चाहिए ही होता है पीने के लिए, तो फालूदा सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको ताकत भी मिलती है और आपका पेट भी भरता है और आपका फिर प्यास भी बुझ जाती है, और क्या बोलूँ। तो ईटमी का फालूदा लाइए और अपने घर में बनाइए और रमज़ान को एंजॉय कीजिए।